मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा ने पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की बात कही है। दो दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड की तरक्की के दरवाजे अब खुल जाएंगे। वहीं इससे पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर सहित किसी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में उन्होंने जल्द ही राम राज्य की स्थापना का भरोसा भी दिलाया है। आज खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बीडी दत्त शर्मा जी सांसद जी को विधानसभा प्रत्याशी शिवजीत सिंह जी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शारदा पाठक जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में ज्ञापन दिया है। जब इस योजना को 10 साल MOU साइन होने में लग गए तो ये योजना जब चालू होगी तो 10 साल ये बांध बनने में लग जाएगा। यह आज हमारे पन्ना का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ केन बेतवा लिंक परियोजना अगर लागू होती है तो पन्ना जिले का बच्चा बच्चा सड़कों पर होगा और मंत्री और सांसद को घेरने का काम करेगा। ये मंत्री और सांसद की मिली भगत से इस योजना को लागू कराया जा रहा है ताकि पन्ना का अस्तित्व समाप्त हो जाए। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक संकल्प था, उनका एक बड़ा सपना था। उस सपने को पूरा करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों ने MOU साइन किया है। क्योंकि मैं खजुराहो पन्ना कटनी का लोकसभा का सांसद हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई इस प्रकार की बात उठती है तो उसको समझना, तो जिन लोगों ने इन बातों को जो उठाया है उनको एक बार हम बात भी कर रहे हैं और भी करेंगे। एक बात जो और उठाने का प्रयास होता है कि इसके कारण से टाइगर रिजर्व खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसकी अनुमति दी है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड अनुमति को ऐसे ही दे सकता। बफर जोन का किसी प्रकार का बहुत प्रभावित पक्ष नहीं होगा, बल्कि एक लाभ हमको मिलने वाला है कि हमारे जो जानवर हैं जिनको पानी नहीं मिलता था उनको पानी की सुविधा भी 365 दिन मिलेगी।